यशु दूसरा बाब। तब नून के बेटे यशु ने शैतीम से दो मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरहू को देखो भालो। चुनांचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहत था आए और वहीं सोए। और यरहू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इसराइल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहां आए हैं। और यरहू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छिपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहां के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूं कि वो कहां गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम जरूर उनको जा लोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थीं, छुपा दिया था। और ये लोग यर्दन के रास्ता पर पायाबों तक उनके पीछे गए। और जू ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। तब राहिब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावन ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावन ने तुम्हारे आगे बहरे कुलजम के पानी को सुखा दिया और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सयोन और औज से जो यर्दन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूं कि मुझसे खुदावन की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और मां और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील हो गई, बशर्ता के तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जा में कर देगा तो हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ता रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना हुआ था और वो दीवार पर रहती थी। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो, तानाहो के पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और तीन दिन तक वहीं छुपे रहना जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए, इसके बाद अपना रास्ता लेना। तब उन मर्दों ने उससे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बे इल्जाम रहेंगे। सो देख, जब हम इस मुल्क में आए तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और मां और भाइयों बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। फिर जो कोई तेरे घर के दरवाजों से निकलकर गली में जाए उसका खून उसी के सिर पर होगा और हम बेगुनाह ठहरेंगे, और जो कोई तेरे साथ घर में होगा
उस पर अगर किसी का हाथ चले तो उसका खून हमारे सिर पर होगा, और अगर तू हमारे इस काम का जिक्र कर दे तो हम उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्जाम हो जाएंगे। उसने कहा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो। सो उसने उनको रवाना किया और वो चल दिए। तब उसने सुर्ख रंग की वो डोरी खिड़की में बांध दी, और वो जाकर पहाड़ पर पहुंचे और 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे, जब तक उनका पीछा करने वाले लौट ना आए। और उन पीछा करने वालों ने उनको सारे रास्ते ढूंढा पर कहीं ना पाया। फिर ये दोनों मर्द लौटे और पहाड़ से उतरकर पार गए, और नून के बेटे यीशु के पास जाकर सब कुछ जो उन पर गुजरा था उसे बताया। और उन्होंने यीशु से कहा कि यकीनन खुदावन ने वो सारा मुल्क हमारे कब्जा में कर दिया है, क्योंकि उस मुल्क के सब बाशिंदे हमारे आगे घुले जा रहे हैं।